नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवर 5 प्रो 5G वर्सेस रियलमी 11 प्रो प्लस 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोवर 5 प्रो 5G में 6.63 इंच जबकि 11 प्रो प्लस 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि पोवर 5 प्रो 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो पोवर 5 प्रो 5G में 3.01 इंच जबकि 11 प्रो प्लस 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि पोवर 5 प्रो 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो पोवर 5 प्रो 5G में 0.35 इंच जबकि 11 प्रो प्लस 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो पोवर 5 प्रो 5G में 220 ग्राम्स जबकि 11 प्रो प्लस 5G में 183 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो पोवर 5 प्रो 5G में IPS LCD जबकि 11 प्रो प्लस 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पोवर 5 प्रो 5G में 6.78 इंचेस जबकि 11 प्रो प्लस 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पोवर 5 प्रो 5G में 1080x2460px FHD+ और 11 प्रो प्लस 5G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पोवर 5 प्रो 5G में 84.81% जबकि 11 प्रो प्लस 5G में 90.75% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पोवर 5 प्रो 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 11 प्रो प्लस 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पोवर 5 प्रो 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 11 प्रो प्लस 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पोवर 5 प्रो 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 11 प्रो प्लस 5G की बात करें तो उसमें 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो पोवर 5 प्रो 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 11 प्रो प्लस 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पोवर 5 प्रो 5G में माली G57MC2 जबकि 11 प्रो प्लस 5G में माली G68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पोवर 5 प्रो 5G में MediaTek Dimensity 6080 MT6833 और 11 प्रो प्लस 5G में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है। बात करें RAM की तो पोवर 5 प्रो 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि 11 प्रो प्लस 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पोवर 5 प्रो 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 11 प्रो प्लस 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो पोवर 5 प्रो 5G में अप टू 1TB जबकि 11 प्रो प्लस 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Poco 5 Pro 5G में दो कलर्स जबकि 11 Pro Plus 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Poco 5 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,390 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 11 Pro Plus 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,890 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 29,698 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो Poco 5 Pro 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 11 Pro Plus 5G की तो उसमें 6 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 11 Pro Plus 5G आगे है, मेन कैमरा में 11 Pro Plus 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 11 Pro Plus 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A58 4G है, दूसरा Moto G54 है, तीसरा Moto G84 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 60X 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।